ब्रेक के बाद स्वागत है फिर से आपका। क्या फिर अन्ना की क्रांति रंग लाएगी, यही सवाल है और इसी पर चर्चा जारी है। अन्ना हजारे ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे पीछे हटने वाले नहीं है। अन्ना ने केंद्र सरकार को तो जमकर कोसा ही, साथ ही बार बार धोखा देने का आरोप भी लगाया। जंतर मंतर पर शुरू हुए इस अनशन में अब 4 दिन के बाद अन्ना हजारे भी शामिल होंगे। अन्ना हजारे ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि पहले इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद अन्ना हजारे इस अनशन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अन्ना हजारे अपने पुराने रंग में ही नजर आए और सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। अन्ना ने कहा कि लोकपाल पर लड़ाई जारी रहेगी। अन्ना ने कहा कि सरकार लगातार धोखे देती रहती है। पहले ज्वाइंट कमेटी ने धोखा दिया, फिर स्टैंडिंग कमेटी ने धोखा दिया, फिर सरकार ने धोखा दिया। यहाँ तक कि पंथ प्रधान भी धोखा दे चुके हैं। पंथ प्रधान ने लिख कर दिया था, फिर भी वे पलट गए। क्या ये संसद का अपमान नहीं था? सरकार जनता को बार बार धोखा देती आई है, इसीलिए अनशन भी बार बार होगा। देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ रही है, देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि लोकपाल लाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ। हम ये दावा तो नहीं करते कि लोकपाल से भ्रष्टाचार पूरी तरह मिट जाएगा, लेकिन लोकपाल से 60% तक तो भ्रष्टाचार जरूर कम हो जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि एक मजबूत लोकपाल बिल लाया जाए, इसीलिए सरकार आश्वासन देती है। सरकार के मंत्री अब भी हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद और नारायण सामी जैसे लोग हमारी मुहिम में खतरा बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो सवाल कायम है, क्या इस बार भी अन्ना की आंधी रंग लाएगी? लगातार इस पर चर्चा जारी है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वेद प्रताप वैदिक साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार देश प्रदेश से जुड़े मुद्दों को देखते रहे हैं, लिखते रहे। वैदिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज तस्वीर जंतर मंतर पर नजर आई, क्या वो विराट रूप ले पाएगी? पहले वाली तस्वीर नजर आएगी टीम अन्ना के इस आंदोलन की? आज जो दृश्य था जी, उससे कई लोगों को निराशा हो सकती है जी, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अन्ना स्वयं अनशन पर नहीं बैठे जी। अगर अन्ना बैठते तो मैं समझता हूँ कि 2-3 हजार क्या 20-30 हजार लोग शायद इकट्ठा हो जाते जी, जैसे कि रामदेव जी की रैली में 3 जून को हुए थे। लेकिन अभी अन्ना जब बैठेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि कई गुना लोग वहाँ बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो मांग जन लोकपाल की थोड़ी हाशिए में चली गई है जी जी, वो मेरी राय में ठीक नहीं हुआ है। वो जो मूल बुनियादी मांग है उस पर खूब डटना चाहिए, अड़ना चाहिए। सरकार जो बहाने कर रही है उन बहानों की तर्क द्वारा काट होनी चाहिए। उन पर आरोप लगाना, उनको कोसना, ये तो बिल्कुल नेताओं के काम है जी। वैदिक साहब, क्या क्या लगता नहीं है कि इस कोसने की प्रवृत्ति के चलते ही आज आम जनता इतनी नहीं जुट पाई? नहीं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से लोकपाल के मुद्दे ने आम लोगों के दिल में आग लगा दी थी, आज वो भ्रष्टाचार के आरोप के बाद लोगों को वो जगा नहीं पाई। इसमें एक बुनियादी बात पूरे देश के लोग समझ नहीं रहे हैं, मतलब विश्लेषक लोग, एनालिस्ट लोग, कि लोग जन लोकपाल के विरुद्ध, जन लोकपाल के पक्ष में नहीं आए थे तब। लोग तब आए थे 2G स्कैम, राष्ट्रमंडल जी, और वो जो बंबई में हुआ था घोटाला, उस घोटाले से जो वातावरण बना था उसके विरुद्ध लोग इकट्ठा हुए थे जी। वो ये जानते भी नहीं थे कि जन लोकपाल होता क्या है और उसकी भूमिका क्या होगी जी। अब क्योंकि वो मामला मद्दा पड़ गया है और जन लोकपाल वाला मामला भी मद्दा पड़ गया है, इसलिए इस आंदोलन में थोड़ी सी हमको लगता है कि धीरपाई आ गई है। क्या वैदिक साहब, लगता नहीं है कि आजादी के आंदोलन में भी इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहे हैं और लेकिन मुद्दा वही रहता है? और जब धीरे धीरे कोई आंदोलन शुरू होता है तो शुरुआत में इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि हमको लगता है कमजोर है, लेकिन कब वो आग पकड़ ले इसका कोई पता नहीं चलता। हाँ, ये तो बात ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये जो अनशन और प्रदर्शन का मसला है जी,
ये अगर बार बार दोहराया जाए तो काठ की हांडी की तरह हो जाता है जी, कि काठ की हांडी को कितनी बार आप चूल्हे पे चढ़ाएंगे जी जी। लेकिन प्रदर्शन और अनशन के बाद अगर सीधी कार्रवाई की कुछ कार्यक्रम बना लिए जाएं जी, काला धन के सवाल पर भी, भ्रष्टाचार के बड़े सवाल पर और जन लोकपाल के सवाल पर, तो मैं समझता हूं कि देश में बड़ी चेतना जागृत हो सकती है। चेतना तो अभी फैली है, जन जागरण तो हुआ है जी, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। वैदिक साहब, ये सरकार का जितना जी एक गेंडे की खाल है जी, उसमें सुई चुभोने से कोई असर नहीं होने वाला। भाला चुभोना पड़ेगा। हेलो। हाँ, भाला चुभोना पड़ेगा। भाला चुभो तब जाके असर होए तो होए, नहीं तो नहीं होए। वैदिक, भाला चुभोने का मतलब है सीधी कार्रवाई करना। वैदिक साहब, एक और बात है, क्योंकि आप तो बाबा रामदेव के भी काफी निकट रहे हैं, और इस बार बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के बीच में अच्छा तालमेल नजर आ रहा है, और वो भी 9 अगस्त से आंदोलन की बात कह रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि इस बार जब बाबा रामदेव भी इससे आंदोलन से जुड़ जाएंगे, दोनों मिलकर आंदोलन करेंगे, तो देश में एक बार फिर वापस उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो जाएगी शुरू? हाँ, होगी तो सही। और रामदेव जी परसों जाने वाले हैं जी, आंदोलन में वो बैठेंगे जी, और वो अपने वादे को निभाएंगे जी। और अभी तो बालकृष्ण जी के मामले में उन्हें थोड़ी भागदौड़ करना पड़ रही है जी, लेकिन वो 27 को वहाँ जरूर जाएंगे। और अन्ना हजारे उनसे मिलने पुणे भी गए थे जी, उसके पहले हरिद्वार भी गए थे जी। और मैंने जैसा कि अपने निर्णय में एक टीवी चैनल पे कहा था अन्ना हजारे जी को जी, कि आप रामदेव जी के साथ मिल के काम करें, ये दो पटरियां हैं, दो आंदोलन हैं जी, लेकिन इंजन उनपे एक ही चले जी, जैसा कि रेलवे में होता है जी, तो वो उनको मंजूर हुआ और वो कर रहे हैं। और ये अगर मिल के चलेंगे, क्योंकि अन्ना का आंदोलन अन्ना नहीं है, अन्ना के साथ अधन्ना भी है, उनकी जो टीम है अन्ना टीम, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रामदेव जी के साथ ऐसा नहीं है, रामदेव जी हैं और आंदोलन है, रामदेव जी हैं और उनके अनुयायी हैं जी। तो इसलिए अभी तो अन्ना की टीम और अन्ना आपस में मिले अच्छी तरह से, दिल एक हों उनके जी। कई बार लगता है कि उनके रास्ते भी अलग अलग होते दिखाई पड़ते हैं जी, और फिर वो रामदेव जी के साथ मिले, तब देश में एक जबरदस्त लहर उठ खड़ी हो सकती है। और वो लहर भी तब होगी, रामदेव जी की लहर भी तब ऊपर चढ़ेगी कि जब कार्यक्रम होंगे जी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये सरकार गेंडे की तरह है जी, ये सिर्फ प्रदर्शन और इन सब से ठीक होने वाली नहीं है जी, इसके खिलाफ जब तक कोई सीधी कार्रवाई नहीं होगी, भ्रष्टाचारियों को घेरने की, संसद को घेरने की, विधानसभा को। वैदिक साहब, एक बात है कि पिछले 1.5 साल से 2 साल से भ्रष्टाचार और इस लोकपाल को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उससे क्या आपको लगता है कि देश के आम लोगों में, आम युवाओं में एक चिंगारी तो जल चुकी है? बिल्कुल, चिंगारी भड़क चुकी है जी। सारे युवक, आबाल, वृद्ध सब तैयार हैं परिवर्तन के लिए जी, और सरकार के पलटने में कोई मुझे गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन सरकार के पलटने से क्या फायदा है जी, जब तक एक बड़ी मनस्थिति देश में नहीं बने जी, तो फिर क्या होगा? एक नागनाथ गए, सांपनाथ आ गए जी, विकल्प की जरूरत है। दूसरी जो सरकार आएगी वो सब भी यही करेगी। इसलिए के लिए जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है। तो क्या वैदिक साहब, लगता नहीं है कि अन्ना और बाबा के अलावा ऐसे तमाम देश भर में ऐसे लोग फैले हुए हैं जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, क्या उन सब को भी इस मंच पे आके अब देश में एक बदलाव का, व्यवस्था बदलने के लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है? बिल्कुल है। और रामदेव जी ने पिछले दिनों हरिद्वार में ऐसे सैकड़ों लोगों को पूरे देश से बुलाकर बड़े सम्मान पूर्वक उनसे बातचीत की है जी, और अब वो जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो आंदोलन की जो धीमी शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में ज्वार बन के दिखाई देगी? हाँ, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि जरूर एक बड़ी चीज बनेगी। धन्यवाद वैदिक साहब। तो कुल मिलाकर इस सब जानकारी के लिए, वैदिक साहब कह रहे थे कि ज्वार जरूर बनेगी क्योंकि दिल में आग लग चुकी है। उन्होंने एक बात कही कि अन्ना, अनन्य और फिर आंदोलन, तो कहीं ना कहीं अन्ना का आंदोलन है, तो उसको व्यापक करने के लिए जो है पटरी पर आना पड़ेगा। एक जो उदाहरण दिया उन्होंने कि दो पटरियां हैं, एक इंजन अगर चलाना है तो कहीं ना कहीं उन पटरियों को तालमेल बिठाना होगा। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि अब जब रामदेव साथ आ जाएंगे 29 जुलाई से, जैसा कि उन्होंने शुरुआत में कहा कि
अन्ना हजारे अनशन पर बैठेंगे तो फिर देश में वो अलग जगेगी और आंदोलन की तस्वीर निश्चित तौर पर वैसे वैसे देखा जाए तो देश को जरूरत भी है, क्योंकि ये केवल सरकार बदलने का, पार्टी बदलने का, विधायक बदलने का और सांसद बदलने का मामला नहीं, ये व्यवस्था बदलने का मामला है, देश में एक परिवर्तन की आंधी चलाने का मामला है, क्योंकि आम आदमी को बदलने की जरूरत है, आम आदमी को अपनी व्यवस्था बदलने की जरूरत है। हम सब भी जो सुविधा भोगी और हम सुविधा शुल्क देकर जो काम करने की आदत बना चुके हैं, उन सबको बदलने की जरूरत है और देश में इस बात को फैलने की जरूरत है कि नहीं, अब नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, अब देश में किसी भी हालत में भ्रष्टाचार रूपी गेंडे के खाल में भाला जो है वो इस तरह से लगे कि नागनाथ के जाने पर सांपनाथ ना आए। चर्चा को जारी रखेंगे, हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।